टावर, जब हमें इन्होंने हटाया था, फिर से मैं आपको याद करा दूं, उस वक्त पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। जो इस हुकूमत ने जो किताब मईशत के ऊपर शाया की, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी मईशत ऊपर जा रही थी, 5.6 और चौथे साल 6%। आज IMF कह रहा है, आलमी इदारा कह रहा है कि 6% से अब हमारी मईशत 1% से भी कम पे जा रही है, यानी मईशत सुकड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, किसान जिसने रिकॉर्ड पैदावार की थी उसकी पैदावार नीचे जा रही है, क्योंकि बिजली और फजल रहमान की कीमत ऊपर चली गई है। ट्यूबवेल के लिए जो डीजल चाहिए वो महंगा हो गया, बिजली, अच्छा बिजली के बिल जिन जिन के पास आए हैं जरा मुझे हाथ खड़े करके बताएं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी बिजली नहीं थी। क्या हुआ कि 4 महीने में कौन सी क्यामत आ गई कि बिजली की कीमत 18 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट और टैक्सेस मिला के 50 रुपए यूनिट पे बिजली पहुंच गई है। गंदम 850 रुपए पे 20 kg मिलती थी, आज कराची के अंदर 2000 रुपए पे नहीं मिल रही। बलूचिस्तान में देखें गंदम की कीमत किधर गई,